सो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो के इस मोबाइल को अपडेट कर सकते हो, यानी कि सिस्टम अपडेट कैसे कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का कोई भी मोबाइल है तो आप इस मेथड से जो है अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, जिससे कि आपका मोबाइल जो है लेटेस्ट वर्जन में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट करना है तो आपको करना क्या होगा, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज, आपको अपडेट चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो सर्च बार दिया गया है इस पर क्लिक करना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है अपडेट। जैसे आप यहाँ पर अपडेट लिखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट, देख पा रहे हो यहाँ पर सिस्टम अपडेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज, आपके सामने जो भी अपडेट आया होगा, आपके फ़ोन में जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल। देखिए अभी यहाँ पर 280 MB का अपडेट आ चुका है, तो आपके मोबाइल में ही शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल पहले से अपडेट होगा तो यहाँ पर जो है आपके में लिख के आएगा कि योर सिस्टम इज अप टू डेट, यानी कि योर सिस्टम पहले से ही अपडेट है, ये लिख के आएगा। तो यहाँ पर अगर नहीं अपडेट होगा तो ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, और जैसे ये 100% डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये लगभग डाउनलोड हो चुका है, 96% डाउनलोड हो चुका है। तो अभी ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर इंस्टॉल करने का, तो ये 98% हो गया। आपको भी इसी तरीके से डाउनलोड कर लेना है, जैसा आपका नेट स्पीड होगा उसी तरीके से जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल चुका है वेरीफाई अपग्रेड पैकेज, तो ये देखिए यहाँ पर ओके करना हुआ, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपका सिस्टम जो है ऑटोमेटिक अपडेट होने लग जाएगा। अब ये दोबारा से प्रोसेस करेगा और अभी ये आपका स्विच ऑफ होकर के फिर से ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये सिस्टम है ये अपडेट हो जाएगा पूरी तरीके से, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वीवो के किसी भी मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा।